तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुई एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चले दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों आपको मिलेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओर से, जो आपके अग्निवीर और नर्सिंग असिस्टेंट के फॉर्म निकले हैं उसके फॉर्म फिलअप के बारे में। इससे संबंधित दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, फीस पेमेंट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें यहां पर रीड आउट करा चुका हूं, चेकआउट करा चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे इसके फॉर्म के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक जो बनी रहेगी। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपली तरीके से दोस्तों, यहां पर आपको गूगल पे सर्च करना है www.joinindianarmy.nic.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, इसी वहां से भी आप इसको डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अग्निपथ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, यूजर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक कीजिए। यदि वो कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर्ड है, तो उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल लॉगिन करना है। और जो कैंडिडेट इस साल नए हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित आपको जो दिशा निर्देश हैं, जानकारी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा आपको आधार कार्ड का, तो केवल तभी आगे बढ़े जब आधार कार्ड में आपका नाम और जन्मतिथि आपके मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार समान हो, अन्यथा अपने आधार विवरण में सुधार करें और फिर इसके पंजीयन करें। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर सही होना चाहिए, आपका डाटा यहां पर होना चाहिए। और यहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर की आईडी बनाने को दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड देना है और ये कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड देने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाएगी। यदि आप आधार कार्ड से नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट से डाटा से फीच करके भर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बोर्ड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जो भी आपका बोर्ड है, वो आपको बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड, एमपी स्टेट बोर्ड एजुकेशन सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 10th का डाटा देना है, 10th का पासिंग ईयर देना है, और इसके बाद फुल नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। यहाँ से भी आप अपनी ईमेल जो रजिस्ट्रेशन है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली तरीके से है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जाके लॉग इन और अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको यूजर नेम में आपकी ईमेल आईडी होती है, पासवर्ड जो आपने यहाँ पर बनाया है वो आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। आईडी आप सिंपली तरीके से बना सकते हैं, यदि नहीं बनती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जो आपका डिजी लॉकर की आईडी है वो बनाना बताएंगे। और नेक्स्ट में हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप 10th क्लास की मार्कशीट से कैसे आईडी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। जैसे दोस्तों लॉगिन हो गए, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में अब दोस्तों यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो अग्निवीर का सेक्शन आएगा, अग्निवीर में दोस्तों यहाँ पर आपको सभी फॉर्म मिल जाएगी। यदि आपकी यहाँ पर एज 17.5 से लेके 21 साल है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। 17.5 से 21 साल ही यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी में, जो आपका टेक्निकल ऑल आर्म्स में है, यहाँ पर आपका क्लर्क स्टोर कीपर में है, वो भी आप भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये तो अग्निवीर का हुआ, और यदि आप नर्सिंग असिस्टेंट वाले हैं, बायो वाले हैं, तो आप यहाँ पर रेगुलर कैडर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन ए आ जाएंगे। 12वीं आपने बायो से किया हो, मैथ्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, इंग्लिश आपका एज सब्जेक्ट हो, सभी में 50% हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम नर्सिंग की बात करेंगे तो नर्सिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको डाटा आ जाएगा, जिसमें आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर मेकिंग श्योर मीट द रिक्वायर्ड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दिया गया है। तो कंटिन्यू सेक्शन वाले यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल डिटेल है, और MIS डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एग्जाम सेंटर और पेमेंट, ये आपके सेक्शन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको फोटो लगाना है, 5 KB से लेके 20 KB में फोटो लगाना है, और 5 से 10 KB में आपको सिग्नेचर लगाना है। यहाँ से आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म है वो धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो क्लास श्रेणी है दोस्तों, यहाँ पर ये जातिगत नहीं होती है, ये इनकी यूनिट होती है। तो जिस भी आप यूनिट में भरना चाहें,
वो आप भर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज भी दोस्तों यहाँ पर यूनिट दी गई हैं, और यहाँ पर यदि आपकी कोई नहीं आती है तो सेंट्रल जोन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैटेगरीज वाइज यहाँ पर सेंट्रल जोन जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना है यहाँ से, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस भरना है। एड्रेस जो भी आपका है, ग्राम है, पोस्ट है, तहसील है, जिला है, थाना है, कस्बा है, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फुलफिल कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको फुलफिल करेंगे तो फिर दोस्तों यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट कर देना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा स्पोर्ट्स और बाकी आपके एनसीसी की, यदि आप खेल खिलाड़ी कोटा है आपके पास, तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा आप किस भी चीज़ में आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स में आते हैं, विशु है, रेसलिंग है, आपकी वॉलीबॉल है, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर खेल के दिए गए हैं। इनमें से यदि आप आते हैं तो इनमें से आप इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एथलेटिक्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जिस भी आप खेले हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो आपको यहाँ पर पोजीशन बताना है, फर्स्ट और सेकंड ही यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे। इसके बाद दोस्तों यदि ये नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो यदि आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी में कौन सा सर्टिफिकेट है, ए है, बी है, सी है, या सी विथ आरडी परेड वाला है, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकती हैं। इनमें से कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर नहीं है तो आप सभी तरीके से इसको नो करिए। यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस हिसाब से आप यहां पर सेलेक्ट कर देना। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नर्सिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। नीचे वाला जो ऑप्शन है वो वेटनरी साइंस वालों के लिए है, जो वेटनरी असिस्टेंट के लिए किया है उनके लिए, ये आपका नॉर्मल बायो वालों के लिए है। यहाँ से आपको सेव इन कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ से आप इसको टिक कीजिए। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 12वीं साइंस से होना चाहिए। यहाँ से आपको स्टेट बोर्ड जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी पासिंग ईयर है वो आपको पासिंग ईयर देना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है, और यहाँ पर देना है आपको मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर। तो मार्कशीट में फोटो के ऊपर रेड कलर में एक अक्षर दिए रहते हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इतना लिख लेते हैं। तो इतना डाटा भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा डाटा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मार्क्स भरने हैं, तो जिस भी तरीके से आपकी मार्कशीट में स्टार्टिंग से दिए गए हो उस तरीके से आप भर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमारा हिंदी का दिया गया है तो हिंदी सबसे पहले हम भरेंगे। मार्क्स ऑफ हिंदी ऑप्टन में आपको कितने मिले थे और यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको दे देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी के भर लेते हैं। यहाँ पर आपको भरना है हर एक के लिए, यहाँ पर एड न्यू रो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके करेंगे। हिंदी के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अंग्रेजी के भरेंगे, तो अंग्रेजी के भी दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, अंग्रेजी भर लेंगे। अंग्रेजी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके करने हैं। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको जो ऑप्शन आएंगे वो सब्जेक्ट के लिए देख लीजिए। सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स है तो फिजिक्स आपको सेलेक्ट करना है। फिजिक्स के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको दे देना है इसके मार्क्स, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स देना है, यहाँ से आपको 100 दे देना है। यहाँ से आप दोबारा से ओके करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते जाना है। तो जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको दोबारा से सब्जेक्ट भरेंगे। सब्जेक्ट भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोबारा से नाम भरेंगे, और यहाँ से अब हम इसको दोबारा से यहाँ पर हम बायोलॉजी की सब्जेक्ट भर देते हैं। बायोलॉजी के जितने भी मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर भर देना है, और यहाँ से आपको 100 कर देना है, यहाँ से आपको ऐड न्यू कर देना है। ऐड न्यू करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। इनमें से कोई चीज़ दोस्तों यदि आपको लगता है कि यदि गलत है तो आप यहाँ पर एडिट वाले सेक्शन पर जाइए। एड वाले सेक्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाटा भर देना है, तो जो भी आपका डाटा रहेगा वो डाटा आप यहाँ से इसको फुलफिल कर लीजिए या चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 12th की जो मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आप डाटा भर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट अपना पहले से ही आ जाएगा ऑलरेडी सिलेक्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के एग्जाम सेंटर चाहें वो एग्जाम सेंटर, क्योंकि इस बार आपको पता है कि इस बार सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी रनिंग होगी, दौड़ होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर भरना पड़ेंगे, एक ऑलरेडी आपको यहाँ पर फुलफिल होके आएगा। तो यहाँ पर एक एक करके आप अपने अनुसार एग्जाम सेंटर भर सकते हैं।
आप अपने अनुसार यहाँ पर दे सकती हैं जो भी आप यहाँ पर देना चाहें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं इन सभी को, एग्जाम सेंटर को आपको एक एक करके भर लेना है। तो यहाँ से हम इसको भर लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम चेकआउट कर लेते हैं जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अधिकतर दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके नियरेस्ट के जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका डाटा आ जाएगा। डाटा आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से आपको नीचे आना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा दिखाई दे जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, एक बार नंबर आप दोबारा से जी चेक कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई चीज़ गलत है तो यहाँ पर एडिट पे जाइए। एडिट करने के बाद आप अपना डाटा एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपका सही है तो सिंपली तरीके से पे नाउ वाले सेक्शन पे यहाँ पे आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप उसको ओके करेंगे, नॉन रिफंडेबल आपका पेमेंट रहेगा, यहाँ से आप उसको ओके कर दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपको यहाँ पर पेमेंट आ जाएगी। नेट बैंकिंग दोस्तों यहाँ पर आपकी SBI की ही चलेगी, बाकी डेबिट कार्ड जिस भी चाहे वीजा से, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपए कार्ड किसी से आप कर सकते हैं। 250 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट लगने वाला है। नेट बैंकिंग से करेंगे तो यहाँ पर 5 रुपये समथिंग यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा, 5 रुपये 90 पैसे एक्स्ट्रा आपके यहाँ पर काटे जा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दोबारा से लॉग इन होना है। और यहां से आपको जो एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले सेक्शन पे है वहां पे जाके आप इसका फाइनली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फीस की रसीद भी यहां से आप उसको निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।